कार्यालय कलेक्ट्रेट नई भर्ती 2024 दो तो 2024 में नई भर्ती निकली है कार्यालय कलेक्ट्रेट में। कार्यालय कलेक्ट्रेट सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग गुणा। तो दोस्तों ये भर्ती गुणा की है, ये मध्य प्रदेश संविदा बेस पर भर्ती होने वाली है। तृतीय श्रेणी के कर्मचारी की भर्ती होगी, योग्यता 12वीं पास रहेगी, चयन मेरिट के आधार पर होगा। संपूर्ण जानकारी आपको देखने को मिलेगी। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दीपेश गौर में। दोस्तों आप सभी कैसे हैं, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हो गए मस्त हो गए। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। भारत में निकलने वाली हर एक वैकेंसी की अपडेट, हर सरकारी योजना की जानकारी आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए, अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको चले जाना है क्रोम ब्राउजर में। जैसे कि आप सभी को पता है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है govnews24, उस पर आपको चले जाना है। उस पर आप जैसे ही जाएंगे, आप हमारे होम पेज पर आ जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट के। यहाँ पर आपको सबसे पहले फॉलो का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इसे फॉलो कर दीजिएगा। और यहाँ पर सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय द्वारा जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र में रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए निम्नलिखित पदों की पूर्ति हेतु पात्र आवेदकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। अगर हम बात करें भर्ती का पद के, तो सहायक कंप्यूटर सहित अन्य पद देखने को मिल जाएंगे। आवेदन इसके प्रारंभ हो चुके थे 2/12/2024 से। लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो 16/12/2024 इसकी लास्ट डेट रखी गई है। आवेदन शुल्क सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क एकदम निःशुल्क है। टोटल पदों की संख्या की बात करें दोस्तों, इसमें 12 पद देखने को मिल जाएंगे, जो कि क्लिनिक मनोचिकित्सक, सीनियर प्रोटेस्ट, सीनियर स्पीच थेरेपिस्ट, श्रवण सहायक, गतिशील प्रशिक्षक, बहुउद्देशीय पुनर्वास कार्यकर्ता, सह सहायक कंप्यूटर ट्रांस डिस्प्लिनरी, प्रारंभिक उपचार थेरेपिस्ट, केवल नेवर एनविस्ट ऑफिसर और चौकीदार। तो यहाँ पर ये पद देखने को मिल जाएंगे दोस्तों, सक्रिय श्रेणी के पद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। आयु सीमा की अगर हम बात करें तो आयु आपकी 1 जनवरी 2024 के अनुसार 18 वर्ष से कम की नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर आप 18 साल से ऊपर के हैं तो आपको इसमें आवेदन पात्रता रखते हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो दोस्तों, उम्मीदवारों को पद के अनुसार अलग अलग शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, जो कि नोटिफिकेशन के आधार पर आप चेक कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट की बात करें तो पद के अनुसार आप डॉक्यूमेंट की भी जरूरत आपको लगेगी। सैलरी की बात करें तो दोस्तों, 10,000 से लेकर 25,000 तक आपको सैलरी मिलेगी पद के अनुसार। जिस सभी पदों पर अलग अलग सैलरी आपको प्रतिमाह देखने को मिल जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें दोस्तों, तो उम्मीदवारों का चयन मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। आवेदन किस प्रकार से करना है, इसमें आपको ऑफलाइन आवेदन भेजना है। अगर आपको आवेदन डाउनलोड करना है तो यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर चले जाना है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आप जैसे ही जाएंगे, यहाँ पर कुछ देर लोड लेगा। यहाँ पर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सबसे लास्ट में आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा आवेदन फॉर्म। ठीक है, आप अपना आवेदन फॉर्म यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना आवेदन फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे लास्ट में आप जैसे ही जाएंगे, यहाँ पर आपको देख सकते हैं डाउनलोड आवेदन फॉर्म। ये रहा आपका आवेदन फॉर्म। ठीक है, ये रहा आपका आवेदन फॉर्म, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। 5 से 7 3 पेज का आवेदन फॉर्म है। उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट के लिए यहाँ पर आपको क्लिक कर देना। इससे आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगा जिला गुना की। यहाँ से आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करके जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र में रिक्त पद हेतु विज्ञप्ति। यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर आपको आवेदन फॉर्म भरने के बाद सभी डॉक्यूमेंट लगाने के बाद आपको भेज देना है। कहाँ पर आवेदन पत्रों पर जमा करने की अंतिम तिथि 16/12/2024 है। उक्त दिनांक तक कार्यालय दिवसों में आवेदन पत्र कार्यालय उप संचालक सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग गुना, DDRC भवन, पुलिस लाइन कैंट थाने के पीछे, तहसील गुना, जिला गुना में शाम 5 बजे तक स्वयं अथवा डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। ये आपका एड्रेस देखने को मिल जाएगा, इस पर आपको भेज देना है। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो जरूर से आवेदन करिएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके साथ जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।